वेलकम बैक और द डेजी फिश में आप सभी का फिर से वेलकम। यार बहुत सारे भाइयों को इंतजार था हमारे सरप्राइज का, ठीक है। मैंने परसों ही बोल दिया था कि भाई हमारे सेटअप में एक सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे भाइयों को पहले से ही पता होगा क्योंकि मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट दिया था भाई हमारे सेटअप में सरप्राइज क्या है। मतलब प्रॉपर मैंने बोला नहीं था बट जो फॉलो करते हैं और उनको पता चल गया होगा। डेली अपडेट्स तो मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैंने हमारे कमेंट सेक्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके जरूर फॉलो कर सकते हो। तो आपको पता ही होगा यार, मैंने थंबनेल रख के आपको पता ही चल गया होगा भाई सरप्राइज का। तो भाई सरप्राइज है हमारे द डेजी फिश में 4 टर्टल्स ऐड हो गए। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट है भाई। ये है रेड ईयर स्लाइडर के छोटे छोटे बेबीज, जो कि एक मिनट कोई बड़े एक्टिव है यार। ये देखो यार, ये है हमारे रेड ईयर स्लाइडर के छोटे छोटे बेबीज। तो 1, 2, 3, 4 तो ये मैंने हमारे सेटअप में ऐड कर दिए। और दोस्तों अभी हमें करना है इनका सेटअप, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप है ना आपके गप्पी फिश के पॉन्ड में इनको ना छोड़ो, क्योंकि ये छोटे फिशेस के ऊपर अटैक करके इनको खा जाते हैं। तो भाई हमें इसकी वजह से हमें ऊपर नहीं छोड़ने हैं। मैंने सोचा है कि भाई इनके लिए हम एक अच्छा सा टैंक सेटअप बनाएंगे, ठीक है। तो यार मैंने ना यहाँ पे एक जगह देखी है, मतलब हमारे सेटअप में ये ऐसी जगह है ना भाई, यहाँ पे है ना धूप भी आती है। जो शाम की धूप आती है ना भाई, यहाँ से कंप्लीट धूप आती है, ठीक है। मतलब हमारे टर्टल्स को जो धूप वगैरह लगती है वो प्रॉपर हमें यहाँ पे मिल नहीं सकती है। और बहुत सारे ऐसे है कि भाई यहाँ पे हवाएं वगैरह कंटिन्यू चलती है। और आपको पता है यार मैंने एक्वेरियम लाइट लाई है, कल के वीडियो में आपको अपडेट दिया था मैंने हमारे सेटअप में मैंने क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड की है। तो भाई उसी के साथ मैंने एक ना एक्वेरियम लाइट लेके आया था, जो कि हमारे कलर वीडियो को सेटअप होने वाला था। तो भाई मैंने सोचा कि अभी टर्टल्स के लिए कर लेते हैं, मतलब ये जो सेटअप, ये जो लाइट है ना, ये टर्टल्स के लिए रहेगी थोड़े दिन के लिए, फिर हम और एक न्यू लाइट लेके आएंगे जब कलर वीडियो का यहाँ पे सेटअप वगैरह होगा, तो ठीक है। तो अभी के लिए भाई हमें टर्टल का सेटअप अभी करना है स्टार्ट, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों ने इंस्टाग्राम के अलग 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 बहुत सारे आइडियाज दिए, उन आइडियों को मिलाकर हम एक टर्टल सेटअप बनाएंगे, ठीक है। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले भाई मैं क्या करने वाला हूँ, जो कि ग्रेवल्स है ना, ग्रेवल्स मैंने निकाल के रखे क्योंकि हमें बेसमेंट का जो बेस रहने वाला है, मतलब अब ये जो टैंक है ना, ये टैंक का जो बेस रहने वाला है, यहाँ पे हम पूरा यहाँ से ना ग्रेवल्स भर देंगे, ठीक है। मतलब जो टर्टल्स वगैरह जो गंदगी वगैरह करेंगे ना, वो सब ग्रेवल्स में छुप जाएंगे। जैसे कि हमारा गोल्ड फिश का टैंक है भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब भी देखो फुल एक्टिव है हमारे गोल्ड फिश। और ऊपर से देख सकते हो भाई पानी भी पूरा क्लीन है भाई। ये क्लीन क्यों है, मैंने नीचे ना ग्रेवल्स वगैरह डाले हैं, तो भाई ये इसकी वजह से क्लीन है। तो भाई मैं अभी क्या करना हूँ, यहाँ पे पूरा ग्रेवल डाल देंगे और ऊपर से लाइट वगैरह भाई पहले कर लेता हूँ सेटअप, फिर आपको मिलता हूँ। दोस्तों ये जो ग्रेवल्स है ना, मैं उठाकर है ना इस टैंक में शिफ्ट कर देता हूँ। अभी यार मुझे ना यहाँ पे चढ़ना होगा पहले, क्योंकि ना मेरी हाइट है ना यहाँ पे नहीं, मतलब हाइट पुरती है बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ठीक है। तो मैं ये सब है ना जो ग्रेवल्स है मैं यहाँ पे डाल के आपको मिलता हूँ। दोस्तों मैंने हमारे जो ग्रेवल्स थे वो हमारे टैंक में ऐड कर दिए, और देख सकते हो और कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यार। मैंने ना इनको धोकर अच्छे से डाला है और देखकर कितने ज़्यादा चमक रहे ये। तो मैंने क्या किया ना दोस्तों, यहाँ पे आधे हमारे ग्रेवल्स रख दिए और एक लेयर आएगा इतना, तो यहाँ पे हमारे ग्रेवल्स रहेंगे और ये जो इन्हें खाली रहने देंगे हम, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या करें भी सोचता हूँ मैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। और है ना ग्रेवल्स और है ना और डाल देंगे फिर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला लेयर था, तो मैंने यहाँ पे वो भी डाल दिया। और यहाँ पे मैंने ऐसा स्लोप दे दिया यार, मतलब ये हमारा सेकंड वाला लेयर है, ऐसा इनको थोड़ा नेचुरल सा फील होगा। मतलब मैंने तो उनका स्टैंड लाया ही, टर्टल स्टैंड, तो यहाँ पे इनको कैसा ना, मतलब यहाँ पे भी आ सकते, नीचे जा सकते, आ सकते, नीचे जा सकते। देखो यार धूप भी आ रही है, मतलब हमारे टर्टल्स के लिए ना आपको पता है धूप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार यहाँ से ना प्रॉपर उनको धूप भी आ रही है यार, और शाम होगी ना और ज़्यादा यहाँ पे धूप आएगी, मतलब एक प्रॉपर उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है यार यहाँ पे ये वाला। अरे यार ये तो हमें फ्लावर ऑन में लगाना है, ये मध्य यार उनका स्टैंड है ना, टर्टल स्टैंड ऐड कर देंगे ना। जुगाड़ देखो, मैंने ना यहाँ से ऐसा जुगाड़ किया यार, यहाँ से मैं उनको डाल रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है। तो दोस्तों ये है भाई हमारा टर्टल स्टैंड, ठीक है। तो मैं इसे ना सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। अभी वो दोनों निकल, एक किधर लगा तुझे पता है कैसे लगाते हैं? हाँ इधर के साइड ले। हाँ नहीं नहीं इतना मत खोल, ये पकड़ना, तू ये पकड़, मैं लगा देता है। देख ये ऐसा करने का, खोलना, अरे खोलना है, तू बराबर कर रहा था यार, मुझे नहीं पता एक्चुअली कैसा मैंने यार कभी स्टैंड यूज़ नहीं किया ना। हाँ परफेक्ट यार, पता है यार तुझे, फिर ये तो है, तूने पहले यूज़ किया है क्या? नहीं।
तो मैंने सही इसको फिट कर लिया है। मुझे नहीं पता यार ये कैसे फिट करते, बट जैसा मुझे यहाँ पे दिया था मैंने वैसा कर लिया। तो यहाँ पे मैं यार इस लेवल पे लगा दूँ? हाँ यार पानी तो इतना ही भरेंगे ना अपन, फिर उनको जब लगेगा ऊपर आते जाएंगे ना। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? ऐसा नहीं। ऐसा उधर लगा दो। अभी नहीं ना, फिर पानी में रहेगा ना वो। टर्टल्स का क्या होता है मालूम है कि जब दूध सेकने के लिए आते हैं ना बाहर, वो इसके ऊपर आते हैं। मुझे इस एक्वेरियम शॉप वाले भाई बोले, तो इसे ना भाई टैंक से ना मतलब जितना पानी भरोगे ना, तो पानी हमें इतना चाहिए, ठीक है? इतना पानी भरना है अपने को। हाँ पानी इतना चाहिए, तो पानी के लेवल से इतना ऊपर चाहिए वो। मतलब ये ग्रिप भी यहाँ से ऊपर आ सकती है, यहाँ पे बैठ सकते हो, दूध सेक सकते। ये उल्टा है या सीधा है मुझे नहीं पता, बट हे यार चलो इसे लगाते। मुझे आप जरूर सजेस्ट करना भाई कि यार ये उल्टा लगाया है या मैंने सीधा लगाया है, ठीक है? दोस्तों मैंने हमारा जो टर्टल स्टैंड था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और भाई हमारा भी जुगाड़ देख सकते, ठीक है? मैंने यहाँ से नली लगाई है, एक मिनट ना, यहाँ से आइए और यहाँ से होकर सीधा हमारा ऊपर से पानी आ रहा है। क्योंकि आपको पता है यार यहाँ पे हमारे ना पानी के बहुत ज़्यादा हाल यार, ऊपर से पानी हमें लेना होता है नीचे। तो यार यहाँ पे एक नली निकाल लेंगे यार, एक दो वही करना होगा यार हमें, एक छोटा सा नल निकाल लेंगे वहाँ पे। बेसिन का नल है यार वहाँ पे, बट वो इतना फोर्स नहीं है, इसकी वजह से टाइम लग जाता है। ऊपर वाला नल ना बहुत ज़्यादा पानी फेंकता है, तो थोड़ा बहुत अच्छा यार। भाई कर दे स्टार्ट। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ना पूरा पानी हम भर लेते इस लेवल तक। मतलब यहाँ पे हमारे जो चिन्नू मिन्नू छोटे छोटे टर्टल्स के बेबीज है, ये यहाँ से आकर है ना यहाँ पर आराम से बैठ सकते, धूप का एंजॉय। मतलब उनको ड्राई होना है वो ड्राई भी हो सकते, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। भाई पानी स्टार्ट हो गया, उसको बोलते पानी स्टार्ट है, अभी कोई टेंशन नहीं। होय होय डन, पानी तो स्टार्ट हो गया। ये पानी हम यहाँ तक भर लेंगे, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये बाकी वाले टैंक का भी पानी कम हो गया, अभी इनका भी भर लेते। देख इसकी लेवल इतनी कम हो गई, इसकी भी कम हो गई, इसकी भी कम हो गई, सारे के सारे कम हो गए। तो यार ये हमारे टर्टल छोटे छोटे बेबीज, हमारे जो टर्टल्स हैं ना यार, हम इनका कुछ नाम रखेंगे यार चारों का, कितने क्यूट है यार। और हमारे पास दो टर्टल्स है यार, आपको पता है हमारे पास और दो टर्टल्स है जो कि मैंने ऊपर हमारे मौली फिश के पॉन्ड में ऐड किए हुए हैं, जो कि हमें नीचे लाने हैं। भाई वो बड़ा टर्टल से वो मारेगा नहीं ना यार छोटे, क्योंकि ना वो इतना बड़ा है और ये छोटे यार, इतना बड़ा है वो, और उसका जो फीमेल है ना इसकी छोटी है। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई हमारे टर्टल्स को वो मतलब हमारे टर्टल्स में उसको मैं पकड़ कर यहाँ पे लेके आऊँगा, और हमारे टर्टल्स पॉन्ड में मैं मतलब टर्टल टैंक में उसको ऐड करूँगा, तो भाई वो कुछ हमारे टर्टल्स को करेगा नहीं ना, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। मैं पहली बार है ना बेबी टर्टल्स पाल रहा हूँ यार, हमारे पास थे यार पहले, बट मैंने ना मेरे दोस्त के पास दे दिए थे, कितने क्यूट है यार ये। तो फाइनली दोस्तों हमारे टर्टल्स का टैंक सेटअप होके रेडी नहीं हुआ अभी, और 40% काम बाकी, ठीक है? 20% हमें यहाँ पे यार मैंने और एक चीज़ ऐड करने का फैसला किया, जो कि ये है क्या बोलते यार इसे, ड्रिफ्ट उड़ कुछ बोलते हैं यार। तो ये जो है ना भाई मैं है ना यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ना यार ये देखो यार कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। फ्लोरंग के लिए मैंने इसको लाया था, बट यार फ्लोरंग के लिए अपने ना दूसरा लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा लेके आएंगे, ठीक है? तो ये टर्टल्स को ही ऐड कर देते। आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि अच्छा रहेगा या नहीं। एक यार ये डूब क्यों नहीं रहा यार, थोड़ा पानी इसे हिलाना पड़ता है ना। ओके ये गया, डूब गया, अभी डूब नहीं रहा यार ये, अभी डूब नहीं रहा यार, इसे उल्टा डूबेगा ये ऐसा लग रहा है मुझे। और मैंने ना दोस्तों यहाँ पे ना दो स्पॉन्ज फिल्टर छोटे छोटे ऐड कर दिए, क्योंकि ना टर्टल्स आपको पता है यार कितनी ज़्यादा गंदगी करते हैं, तो भाई मैंने इसके लिए स्पॉन्ज फिल्टर ऐड कर दिए। यार इतना अच्छा नहीं लग रहा, जानते इसे निकाल देते। ये थोड़ी देर बाद है ना इसके पानी में रखते हैं, पानी में थोड़ा रखेंगे, फिर उसके बाद जब डूबेगा ना तब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो है ना दोस्तों मैं ना हमारे जो ये लाइट है ना, ये लाइट लगाने का भूल ही गया यार। तो यार दोस्तों फाइनली हमारा टर्टल का सेटअप पूरा कंप्लीट होके रेडी हो गया यार, देख सकते यार कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैंने ना ये जो ऊड है ना ये भी मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रेवल से, और ये देख सकते हो यार। ओए ये तो डूब गए ना यार, ये ऊपर करना होगा, ये रे यार इसे थोड़ा ऊपर करना होगा। ओके अभी ठीक है, क्योंकि ना टर्टल जब ड्राई होने के लिए ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ से चू 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 चढ़ के ना यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे वो अच्छे से ड्राई होंगे, क्योंकि यहाँ से ना धूप भी आती है। ओके ये हमारा टर्टल टैंक रेडी हो गया। तो भाई अभी बारी है हमारे चिन्नू मुन्नस को छोड़ने की। तो ये है भाई हमारे छोटे छोटे बेबी टर्टल्स। तो भाई चलो मैं सबसे पहले इसको छोड़ता हूँ। चलो भाई जा, इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा यार, पहले यहाँ पे जा भाई।
ओए ओए गया 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 ओए 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 ओ देखो 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 ओए दूसरा भी छोड़ते चल। अब ये सेकंड वाला है, चल भाई तू भी जा, मैं इसको ना सीधा पानी में डालता हूँ, जा भाई। ओए ओए क्या हुआ, ओए भग गया यार, ओ देखो देखो दे गया। अभी मैं तीसरे को छोड़ता हूँ, चल भाई तू भी जा, अभी जा तू भी पानी में। होय होय होय, हमारे द डेजी फिश में आपका सभी का वेलकम, हमारे टर्टल ग्रुप का। भाई इस इन इनका कुछ नाम रख देते यार, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। ये देखो ये चौथा वाला भी गया, ओए ये क्या अटक गया यार यहाँ पे, नहीं ना नहीं। ये देखो यार ऊपर भी आ रहे यार सांस लेने के लिए, वाह यार। तो एक बात, ऑक्सीजन ऑन करना यार, ऑक्सीजन ऑन करते यार। ओए एक नंबर भाई। तो यार फाइनली हमारे टर्टल का सेटअप रेडी हो गया, और देखो कितना ज्यादा क्यूट सा तैर रहे यार ये, देखिए कैसे तैर रहा है। इनको भी पता नहीं यार, मैंने इनको ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर रखने के लिए ट्रे रखा है ना, ट्रे नहीं यार टर्टल स्टैंड रखा है मैंने, तो उनको पता नहीं है कि भाई ऊपर आना है हमें धूप वगैरह सेकनी, क्योंकि अभी बेबी नए इतने अच्छे से ये सेट नहीं हुए अभी। देखिए 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 कितना क्यूट आया ऊपर से, ये जा रहा है ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाओ यार मैं देखना चाहता हूँ यार यहाँ से ऊपर जाए यार, वही जा रहा है जा रहा है, वही गया 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 गया, जा 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 ऊपर जा ऊपर जा, अबे नहीं जा रहा यार। यार मुझे ना इसमें सबसे ज़्यादा यार क्या अच्छा लगा मालूम है क्या, ये अच्छा लगा यार। दोस्तों आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। भाई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे ना हमारे टर्टल्स लगे भाई, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना यहाँ से वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने खुद से बनाया यार, क्योंकि सुबह से मैं कर रहा हूँ यार, ये मेरा प्लानिंग था यार करना है करना है करना है, तो फाइनली हमारे टर्टल का सेटअप कंप्लीट हो गया। दोस्तों अभी हमारा एक और काम बचता है, हमारे जो ऊपर वाले जो टर्टल्स है और दो, तो एक छोटा थोड़ा बड़ा है, जो मेल टर्टल है ना थोड़ा बड़ा है, और जो फीमेल टर्टल है छोटी छोटी, मतलब फीमेल टर्टल इसके जैसी ही है, बट जो मेल टर्टल है ना थोड़ा बड़ा है। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि भाई ये दोनों रहेगी हमारे टर्टल्स के साथ, ठीक है। तो हम उनको ऊपर से दोनों को लेके आएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। दोस्तों एक काम बचता है हमारे ना, सारे टैंकों का भी जितना भी पानी ना, अभी हमें सबको सब टैंक में पानी भरना है, क्योंकि देखो यार लेवल इतनी कम हो गई। तो ठीक है अभी पानी में भरता हूँ, फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो हमारा अभी गप्पी पॉन्ड गप्पी फिश टैंक का जो वाटर था मैंने भर दिया और यहाँ का कंप्लीट हो गया। अभी हमारा बॉन्सेटिंग का पानी चल रहा है यार। अभी हो गई है इवनिंग और अभी सारे पिजन है ना हमारे बाहर मैंने छोड़ दिया आज भी। तो देखो यार ये सारे के सारे ना यहाँ पे लाइन बैठे हैं, लाइन से बैठे यार, और यहाँ पे कहाँ गए यार। ओके तो ब्लैकी 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 स्नो कहाँ गया, स्नो उधर नीचे है ना। ओके रहने दे रहने दे, ऊपर जाते और ऊपर हमारे सारे फिशेस को फीडिंग कर देते। ओए ब्लड वॉर्म का आ गया। ओके ब्लड वॉर्म, चलो ऊपर चलते, चलो भाई ऊपर चलो। यहाँ पे अभी प्यारी सी इवनिंग हुई यार, बहुत ही ज्यादा प्यारी इवनिंग, और इस प्यारी इवनिंग में भाई हमारे फिशेस को फीड करने का एक अलग ही मेरा एक्सपीरियंस है। ओए ये पानी यहाँ पे कैसे यार, तू आया था क्या अभी ऊपर? अच्छा हाँ इधर से उड़ा, हाँ बराबर। चलो भाई अभी मैं सारे फिशेस को दे देता हूँ। हे मेरी चिंकू मुंकू, चलो 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 चलो। ते देखते हमारी सारी फिश आने लगी एक एक करके। होए 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 होए। तो यहाँ से दोस्तों हमारी सिर्फ मॉली फिश और गप्पी फिश रहने वाली रेड कलर की, और यहाँ पे हमारी टक्सीडो गप्पी जो है ना वो मैं नीचे शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम सिर्फ न्यू ब्रिड लाएंगे गप्पी फिश की जो कि रेड कलर में आएगी। हुई टर्टल आया, टर्टल टर्टल टर्टल, ये देखिए 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 यहाँ पे हुई भग गया यार। हुई गुच्छू आता है भैया, शांति से भग जाता है यार, उसे हमें जल्दी पकड़ना होगा। और है ना दोस्तों यहाँ पे देखो यार कितनी हमारे फिश ने ब्रिड की, मैं ना इससे दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई ये बेबीज देख सकते हो, हुई इतने सारे बेबीज हो गए यार, हमें कैच करने होंगे। हुए जल्दी ना पानी चेंज करना होगा यार, यहाँ का बहुत सारे बेबीज है हमारे पॉन्ड में। ये देखो भाई यहाँ पे हमारी सारी फिश आ गई, मैं आपको एक बार इसे शो कर रहा था। हुए यहाँ पे गप्पी ज़्यादा हो गई यार, ये देखो भाई मौली से ज़्यादा यहाँ पे हमारी गप्पी हो गई यार। ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो, और आज की वीडियो में हमने क्या किया भाई, हमारे आज की वीडियो में हमने किया हमारे टर्टल टर्टल का सेटअप, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे तो भाई अभी कर दिया। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वो क्या कर रहा है यार, वो मैंगो का मैंगो और ये उसका दोस्त
वैनिला। ये देखो ये वैनिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार हमारा वैनिला। और मैंगो का आ गया, ये देखो मैंगो मैंगो वैनिला। शिट 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 यार क्या हो गया यार, ये यार सारा फूड उड़ गया यार। शिट हवाई चल रही थी यार, सारा फूड उड़ गया उनका।